Hi everyone, kaise hai aap log? This is Amanshi Bhatia from evidyarthi.in and today we are going to discuss exercise number 5.3 from the chapter 5, that is continuity and differentiability. So yahan par hum question number 1 se lekar ke question number 3 tak discuss karne wale hain. Bahut hi chote chote se aur bahut hi simple questions hai, sirf 3 questions hum ek saath kar sakte hain. Kya karna hai? Find dy by dx in the following. तो हमें कुछ इक्वेशन दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है, y डैश फाइंड करना है. मैंने अब तक आपको क्या बताया था कि अगर आपको y दिया हुआ है x के टर्म्स में, यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट एंड गेट dy by dx. बट इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी बताया था कि इम्प्लिसिट क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन. जब हमें y, इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है ना. बताया था मैंने देसी तरीके से कि हाँ भाई इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट समझ सकते हो. उसमें क्या होता है, y आपको x के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है. हो सकता है ऐसे दिया हो कि x plus y equal to 5, हो सकता है x square plus y square equal to 2, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है. बट y इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली. तो यहाँ पर भी हमें y इसमें मिक्स कर रखा है, देखो अलग से नहीं लिखा है, यहाँ पर भी y मिक्स कर रखा है. ऐसा नहीं है कि y इधर है और बाकी सब x की खिचड़ी उधर है. और सेम यहाँ तो हमें dy by dx फाइंड करना है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जो आ रहा है वहां से डी वाई बाई डी एक्स खींच लो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ. देखो कैसे स्टार्ट करते हैं. आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या मिलेगा हमें यहां से, टू टाइम्स एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज वन. भाई x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx by dx. अबे एक ना मेरी स्टूडेंट है वो क्या बोलती है, x का डेरिवेटिव 1. और उससे पहले मैं पूछूं, जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x. x का डेरिवेटिव होता है 1. अगर मैं उससे पूछूं y का डेरिवेटिव क्या होगा तो बोलेगी 1. बट दैट इज नॉट द केस, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि नीचे क्या आएगा. जैसे यहाँ पे नीचे dx है ना, तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, लेकिन y का डेरिवेटिव dy by dx आएगा. क्योंकि यार x का डेरिवेटिव 1 क्यों आया, क्योंकि डेरिवेटिव मतलब dy dx. अब तो मैं x का कर रहे हो तो dx by dx कट गया, तो 1 बचा ना. लेकिन y के केस में तो अलग है, dy अलग है, dx अलग है, कटेगा नहीं. तो प्लस 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, y डैश, यानी कि dy by dx भी ले सकते हैं, is equal to sin of x. अब sin का डेरिवेटिव तो cos होता है, हमें पता है, तो हम इसको लिख देंगे cos x. और साथ में हमें ये भी देखना है कि अंदर वेरिएबल क्या है. अंदर वेरिएबल है x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो sin का डेरिवेटिव cos आ गया. ठीक है, अब यहाँ से ये जो चीज मैंने बोली है कि x का डेरिवेटिव 1, ये मैंने क्यों बोला, अभी सेकंड क्वेश्चन में काम आएगा, देखेंगे उसको. बट फिलहाल इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx, राइट. तो हम यहाँ से इसको अलग रखेंगे, 3 टाइम्स dy by dx, और बाकी सब जो है माल पानी उधर ले जाएंगे, दैट इज cos x माइनस, माइनस क्या करेंगे 2. ठीक है जी, और हमें सिर्फ dy by dx चाहिए, 3 चाहिए नहीं. तो यहाँ से y डैश लिखो या dy by dx लिखो, किसके बराबर आ गया, cos x माइनस 2 अपॉन 3. ठीक है जी, तो बात हो गई खत्म, ये आंसर हमारा आ गया. सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले, क्या करेंगे फिर से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ये चीज लिखना बहुत जरूरी है. ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये थर्ड का, राइट. तो डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिख रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुम पूरा लिख देना. क्या मिला हमें, 2 टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव 1, सेम यार एलएचएस तो सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो ये भी वैसे ही आ गया. 3 टाइम्स वाई का डेरिवेटिव, यानी कि वाई डैश लिखो या डी वाई बाई डी एक्स लिखो, एक ही बात है. अब क्या लिखा हुआ है, वहां था साइन एक्स, यहाँ है साइन वाई. साइन सेम है, वेरिएबल क्या फर्क है, क्या करना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, हमें इतना पता है कि साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई हो गया. लेकिन अब तुम ये भी तो देखो ना कि अंदर इसके वाई है, तो चेन रूल याद आ रहा है. देखो जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स,
log of x square का derivative होता है 1 upon x square into x square का derivative, ठीक है? sin x का derivative cos x, but sin of x square या sin of 2x, इनका derivative क्या होता है? cos x या cos 2x, cos x square जो भी है, अंदर, into उसी का differentiation जो अंदर है, this is chain rule, तो अगर आप sin का derivative कर रहे हो, तो cos तो आएगा ही, cos y, लेकिन into में, इनटू में y का डेरिवेटिव भी आएगा डेफिनेटली तो y डैश आएगा यहाँ पे इनटू में सॉरी समझ रहे हो अगर यहाँ पे मान लो sin x square होता तो cos x square into x square का डेरिवेटिव यानी कि 2x लिखते अगर sin के अंदर cos x होता तो डेरिवेटिव करते cos of cos x into जो भी अंदर समथिंग होता उसका डेरिवेटिव आता ही आता है मैंने आपको ये चीज बताई है इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था चेन रूल अगर तुमने चेन रूल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो गो एंड वॉच इट क्विकली तभी समझ में आएगा क्या होता है साइन के अंदर कुछ भी हॉचपॉच है उसको आपने कुछ लेट करा साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है वो एज इट इज आ गया जो भी एंगल है अंदर इनटू वो जो पूरा हॉचपॉच है उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होता है ठीक है इसीलिए इतना जोर देके बता रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ सेकंड क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन से इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी चेन रूल का वीडियो नहीं देखा तो भाई देख लो प्लीज क्योंकि ये जो चीज है ना इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे तो यहाँ से क्या मिला 2 प्लस 3 टाइम्स y डैश यानी कि dy by dx इज इक्वल टू y डैश इनटू cos y ठीक है जी सेम चीज लिखी है मैंने दोबारा अब हमें फाइंड क्या करना था y डैश यानी कि dy by dx तो ये भी चाहिए इस तरह 2 नहीं चाहिए तो क्या करो 3 टाइम्स y डैश माइनस y डैश cos y इसके बराबर आ गया माइनस टू के बराबर उधर सर आ गया ना अब यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लो क्योंकि हमें क्या चाहिए वाई डैश चाहिए इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन अपॉन में कौन आएगा यहाँ से हम अगर देखो वाई डैश कॉमन लेते हैं तो थ्री माइनस कॉस वाई बचेगा तो थ्री माइनस कॉस वाई यहाँ नीचे आ गया ठीक है जी अब चाहो तो ऐसे छोड़ दो या इस माइनस को नीचे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा 2 upon cos y minus 3 तो वैसे भी लिख सकते हैं ये लोग इसको माइनस हटा दिया ये यहाँ लगा दिया ये यहाँ लगा दिया ये आ गया 2 upon cos y minus 3 या minus 3 plus y plus cos y कुछ भी बोल लो तो ये हमारा y dash आ गया देख रहे हो कितना डिफरेंस है ये sin x का cos x हो के रुक गया लेकिन sin y का डेरिवेटिव होता है cos y into y dash डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट कर रहे हो और x के ही रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन में उसने पूछा है कि भाई अपॉन में एग्जाम चाहिए राइट थर्ड क्वेश्चन क्विकली सेम थिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा हमें ए क्या है कांस्टेंट है ए टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट इनटू समथिंग का डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट इनटू उस समथिंग का डेरिवेटिव तो ए टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव जैसे 2x का 2 3x का 3 5x का 5, ax का a, right? तो ax का derivative आया a, a into 1 लिख दिया मैंने, ठीक है जी? Plus b times derivative of y square. अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको हम करके देख लेते हैं अलग से यहाँ पे. कहाँ कर दूँ? फिर वहाँ लिखते हैं, देखो, y square लिखा हुआ है. इसका तुम क्या करोगे डेरिवेटिव अब तुम्हें पता है कि भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x राइट तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y बट फिर फर्क क्या है x और y में फर्क ये है कि इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो x नहीं है वेरिएबल x से अलग है कुछ और है क्या है y है तो आप क्या करोगे भाई हमें पता है x स्क्वायर का 2x होता है कौन सा फॉर्मूला वो वाला फॉर्मूला याद नहीं है x की पावर n का डेरिवेटिव n नीचे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है सेम उसी फॉर्मूला से y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा 2y तो आ गया लेकिन इनटू में जो अंदर हमारा वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव भी तो आएगा ठीक है फॉर्मूला देखो ये वाला था लिख देना फॉर्मूला यूज करोगे तो n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 ठीक है तो y स्क्वायर का 2y बन गया लेकिन इनटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल तो चेन रूल बहुत इम्पोर्टेंट है मैंने इंट्रोडक्शन में जब चेन रूल समझाना स्टार्ट किया था ना तभी ही मैंने बताया होगा आपको कि चेन रूल नहीं आता तो कुछ नहीं आता भाई कैलकुलस में ठीक है कैलकुलस की दुनिया का पबजी है ये
अगर पबजी नहीं खेला तो कुछ नहीं खेला, ऐसे ही अगर आपने चेन रूल नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा कैलकुलस में. सो ए टाइम्स वन प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने किया 2y इंटू वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आएगा cos y, जैसे हमने यहाँ पे sin y का किया था सेम cos y का करना है. cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, क्योंकि हमने क्या याद किया था स्टार्टिंग में साइन का cos, cos का साइन, लेकिन cos क्या होता है कनिंग होता है ना, धंधा सा होता है, तो इसलिए cos क्या लगा देता है माइनस साइन लगा देता है. तो cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, लेकिन हमारा डेरिवेटिव जो है y का वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है. अगर cos x होता तो माइनस साइन x लिखते, बट ये cos y है तो माइनस साइन y लिख के मल्टीप्लाई में y का डेरिवेटिव यानी कि y डैश मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अब यहाँ से क्विकली हम y डैश अलग कर लेते हैं और x वाली टर्म उधर कर देते हैं या कॉन्स्टेंट उधर कर देते हैं. तो टू टाइम्स बी वाई वाई डैश इज इक्वल नहीं प्लस साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए. चेक कर लो सही लिखा है नहीं लिखा है. ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आई हूँ साइन वाई वाई डैश को, और ए को मैं वहां लेके गई माइनस से बन गया. अब यहां से मैं वाई डैश कॉमन लेके बाकी सब उधर ले जाऊंगी, राइट. यहां से आपने y डैश लिया कॉमन और यहां लिखा माइनस ए के अपॉन में टू बी वाई प्लस साइन y. जो भी y डैश कॉमन लेने के बाद बच रहा था वो मैं वहां अपॉन में ले गई और ये मेरा आंसर आ गया. y डैश का चेक कर लो. सो वी हैव डन ऑल द थ्री क्वेश्चंस. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे तो भाई बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई पूछे एक आध नंबर में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट. तो आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से ट्राई करो. आगे के क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए तुम्हारे डाउट्स, बट प्रैक्टिस जरूर करनी है. ऐसे नहीं कि बैठे रहो कि हाँ भाई चल अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना. खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, खुद से नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कोई फायदा नहीं है. सो यू हैव टू डू इट एंड ऑल्सो रिवाइज द कॉन्सेप्ट, रिवाइज द फॉर्मूले एंड कीप प्रैक्टिसिंग. Because calculus in practice is very, very, very important. So yeah, that's all for this video. I'll see you next time. Tab tak ke liye, take care of yourself. Keep smiling and make me smile by liking the video. So bye-bye.